नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं बता दूं, इस समय मोहम्मदाबाद विधानसभा में हूं। यहां के पूर्व विधायक विधान क्षेत्र है और यहां ज़्यादातर लोग पासवान समाज से ही आते हैं। बता दें कि यहां लोग इकट्ठा हुए, इनसे बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव आ गया है और राजू राय समाजवादी से आ चुके हैं और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और बीजेपी के गठबंधन से NDA प्रत्याशी अरविंद राजभर जी आ चुके हैं। तो बात करेंगे, सबसे पहले अपना नाम बताइए। कृपाल राजभर। तो यहाँ कैसा पोजीशन? यहाँ का अच्छा माहौल है, सब लोग छड़ी के ही बटन दबा के उनको जिताने का प्रयास करेंगे, ओम प्रकाश जी को। ठीक, अपना बताइए, नाम बताइए। मुन्ना राजभर। कैसा माहौल है आपके यहाँ? बहुत बढ़िया माहौल है। कोई राजभर आएगा दूसरी पार्टी से तो क्या कहेंगे आप? दूसरे पार्टी से हम लोग छड़ी वाले हैं तो छड़ी पर मारेंगे वोट। चलो ठीक है, बात करता हूँ। अपना नाम बताइए। कन्हैया राम। कन्हैया राम। तो आपको उम्मीद है कि अरविंद राजभर चुनाव जीत जाएंगे? हाँ बिल्कुल। किस हिसाब से? अरे समाज के स्तर से, वो बम्पर रोड से जीत रहे हैं। अभी राजू राव आ गए हैं, पैसे वाले हैं। हाँ। कोई भी राव आए लेकिन उनके सामने कोई टिकेगा नहीं। इनके पास बहुत पैसा है, कुछ भी पैसा रहे इनके पास जनता है, उनके पास पैसा है, इनके पास जनता है, यानी पूरी यकीन है, पूरा विश्वास। ठीक, अपना परिचय बताओ, नाम बताइए। राम दुलारे पासी। तो बैद्यनाथ पासवान जी आएंगे, बोलेंगे राजी राय को वोट देना, तो क्या कहेंगे आप? नहीं देंगे। क्यों? हम लोग परेशान है उनसे, पहले के विधायक थे। हाँ, तो तब भी हम बहुत परेशान है उन लोगों से ना, हम लोग बैद्यनाथ पासवान जी से। हाँ, विकास नहीं किया, पूछ रहे। क्यों? पता नहीं कि वो गुंडों की सरकार थी, वो क्या विकास करेंगे? गुंडों की सरकार और क्या बोलते हैं, दलितों पिछड़ों वाले पूछ नहीं। अरे वो हम लोगों को कहाँ से कहाँ इधर उधर कर रहे हैं, बुलाते हैं, हम लोग नहीं उनके साथ जाएंगे। पासवान जी के साथ नहीं रहेंगे? नहीं, पासी हो के पासवान के साथ नहीं। अरे पासी है तो क्या हुआ, ये नहीं है, ये भी तो भाई है। यानी आप मान रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे भाई है और क्या? चलिए ठीक है, अपना बताइए। दूधना सरोज। तो क्या उम्मीद रहेगी आपको यहाँ से? बम्पर रोड से चुनाव जीत रहे हो तो आप लोग नहीं मानेंगे पासवान जी की बात? किसी की बात नहीं सुनेंगे, राजू राय लेकर आएंगे पकड़ के, कुछ भी करें, बोलेंगे भैया अभी पासवान, कुछ नहीं, हम लोग डरने वाले थोड़ी नहीं है। क्यों? उनको पैसे से गुंडे से थोड़ी डरेंगे। नहीं, पैसे की बात नहीं, जैसे उनको लाएंगे अपने समाज से दबाव देने वाले। समाज का हमारा जो है बयान बह चुका है अरविंद राजभर के साथ, मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर माननीय जी के साथ हम लोग हैं और खुले दिल से इनको चुनाव जीतवा, एकदम से, एकदम डगमग नहीं होगी, बिल्कुल कतई नहीं। आप लोग, आपका विचार? राजकुमार पासवान। कैसा उम्मीद है आप लोग? आप तो युवा हैं, बेरोजगारी की बात बहुत उठती है यहाँ बरेली में, सभी पासी नवयुवकों का यही कहना है कि हम इस जातिवाद को खत्म करना है। यानी आप जातिवाद पर नहीं, काम पे वोट चाहिए? काम पे तो वोट चाहिए ही, लेकिन इस गांव की जो हमारी जनता है इस बार सुहेलदेव पार्टी के साथ पूरे दमखम के साथ रहेगी और छड़ी पे वोट पड़ेगा। चलो ठीक है, दादा अपना बताइए परिचय। अनुरुद्ध राजभर। तो क्या उम्मीद लग रहा है आपके ग्राम सभा में? अरे भैया अरविंद राजभर जी भी ऊपर जा रहे हैं, रहेंगे और राजभर आएंगे अन्य पार्टी से तो क्या कहेंगे आप लोग? तो आए नहीं जाए भले हो कुछ भी। ठीक है, माता जी इनसे बात करते हैं, अपना परिचय बताइए, नाम बताइए। यासा। क्या उम्मीद है महिलाओं के लिए, कुछ सरकार कर रही है तो वोट सरकार देंगे? दे हम लोग के, हम लोग वोट देंगे छड़ी पर, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल कोई डगमग नहीं, नहीं कोई डगमग नहीं। साड़ी ला के दे देगा तो क्या? नहीं, साड़ी पर वोट नहीं देंगे, नहीं नहीं साड़ी पर नहीं, हम लोग पैसा साड़ी बोलेंगे जी, नहीं नहीं साड़ी है, कोई मतलब नहीं, पैसा हमको नहीं चाहिए, हमको साड़ी नहीं चाहिए। हम छड़ी पर वोट मारेंगे अपने बच्चों की नौकरी के लिए। हमारा चंपा नाम है। तो वोट देंगे आप? हाँ। किस आधार पर देंगे आप? हम अपने सोच के दे रही है अरविंद राजभर को, अपने बिरादर के वोट देगा, हमारे बिरादर। हाँ चलो ठीक, अपना बताइए। हमारा सोच है कि छड़ी को वोट देंगे, छड़ी को जिताएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, दूसरा तरफ नहीं, नहीं कोई रिश्तेदार आके बोले, कोई आ गया नहीं, हम इसी को वोट देंगे एकदम से, एकदम। चलो ठीक है, अपना बताइए। हम छड़ी पर वोट देंगे एकदम से। चलो ठीक है, बताते हैं कि ग्राम सभा की महिलाएं हैं, इनका कहना है कि हम ओम प्रकाश राजभर जी के साथ हैं, सबसे बड़ी बराबर के लोग हैं, बैद्यनाथ पासवान आए कहें कोई मतलब नहीं है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ऐसे खबरों के लिए राज तक न्यूज चैनल देखते रहिए।